ये प्रदेश गौरवान्वित है। ऐसे सूरवीर योद्धा और सुशासन के प्रतीक महाराज छत्रसाल बुंदेला जी को पाके हमारा फर्ज है बहनों और भाइयों कि हम अपने इन प्रेरणा को ना भूलें, इन महापुरुषों को ना भूलें। और इसलिए इस बार हमने तय किया कि छत्रसाल जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। लेकिन छत्रसाल जयंती के दिन गोविंद सिंह जी ने मुझे कहा कि जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, इसलिए उस दिन नहीं करें, कुछ दिन के बाद फिर छतरपुर गौरव दिवस के अवसर पर किया जाए। और इसलिए ये छतरपुर का गौरव दिवस, महाराज छत्रसाल बुंदेला जी की जयंती का ये कार्यक्रम आज उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने हम मना रहे हैं। इस संकल्प के साथ, इस संपल के साथ, थोड़ी देर से बेटी, अभी नहीं बेटी, थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं, बोलने के बाद। ऐसा मत करो दीदी, अच्छा लाओ, दे दो, दे दो, नहीं यहां नहीं आने दे, ये दे दो कागज, नहीं इनको बिठा दो, बाद में ले लेंगे। बोलिए भारत माता की, एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम एक फैसला कर रहे हैं, महाराज छत्रसाल बुंदेला जी का प्रतिमा तो यहां लगी है, लेकिन उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर आधारित एक छत्रसाल महाराज का विशाल स्मारक छतरपुर में बनाया जाएगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं, अरे जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं। एक विशाल स्मारक बनेगा, छतरपुर तो उन्होंने ही बसाया था, छतरपुर को बसाने वाले महाराज छत्रसाल बुंदेला, उनकी स्मृति को हम अक्षुण्ण रखने का काम करेंगे। और आज इस पवित्र दिन पर हम एक संकल्प और कर रहे हैं, अब तक छतरपुर नगर पालिका थी, लेकिन अब छतरपुर को नगर निगम बना दिया जाएगा। हमारा छतरपुर लगातार आगे बढ़े, विकास और प्रगति करे, इसलिए छतरपुर में पहले मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया। हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी बता रहे थे, कांग्रेस की सरकार आई थी बीच में, तब कांग्रेस की सरकार ने छतरपुर से मेडिकल कॉलेज छीनने का पाप किया था, एक ईंट नहीं लगाई। आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमने आते ही टेंडर किया, पुराना ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहा था, और जो ठेकेदार का ठेका निरस्त करके नया टेंडर कर दिया है, 300 करोड़ रुपए की लागत से शानदार मेडिकल कॉलेज छतरपुर में बनके तैयार होगा, छतरपुर में बनके तैयार होगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज, छतरपुर में यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े शहरों में विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन छतरपुर की गरिमा को बरकरार रखने के लिए यहां शानदार विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है, उसके भवन का भी आज भूमि पूजन हो रहा है। लेकिन आज बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है, मेरी बहनों तुम्हें प्रणाम अपने भाई का। ये बहन और भाई का पवित्र रिश्ता अद्भुत है, अद्भुत। मैं जानता हूं अगर भाई तकलीफ में हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ सबसे पहले बहन को होती है। मेरा भैया, अगर ससुराल में कोई बहन को भला बुरा भी कह दे तो बुरा नहीं मानती, लेकिन अगर भैया की बुराई कर दे तो सहन करती है क्या? फिर कह देती खबरदार, हमसे कछु कह लियो, लेकिन भैया को नाम लो तो फिर खैर नहीं है। ये भाई और बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है। और मेरी बहनों, एक कष्ट मेरे मन में आज से नहीं बचपन से था। देखो, अपनी ये धरती ऐसी है भारत की, जहां माँ बहन और बेटी को मान और सम्मान की नजरों से देखा गया, लेकिन बीच में ये मुगलों का जो शासनकाल आया था उसमें बहनों की इज्जत उतनी नहीं बची, और धीरे धीरे ये हो गया कि बहनें, विशेषकर बेटियां, बोझ मानी जाने लगी। माँ से भी पूछो कौन जन्म लेना चाहिए तुम्हारे घर से कोख से, तो कहने लगी भैया आना चाहिए, बेटी की जरूरत नहीं है। पैदा कौन हो? भैया पैदा हो। क्यों? बोले भैया तो कुल का दीपक होता है,
बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो कुल का दीपक होगा कि बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बेटा चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, अपने माँ बाप के लिए चलेगी, बेटी कभी नहीं भूल सकती। लेकिन समाज बेटी को भूलने लगा। हालत ये हो गई कि बेटा आए तो बधाई गाई जाए, लड्डू बनाए जाए, भैया भी पच लेके आ जाए, भांजा आया है। और बेटी अगर पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। बेटी को आफत मानने लगे लोग, बेटी को बोझ मानने लगे लोग। और उसका परिणाम क्या हुआ मेरी बहनों? बेटियों की संख्या कम हो गई। अरे इतना पाप हुआ इस धरती पे कि अगर ये पता चल गया कि कोख में बेटा है कि बेटी है, विज्ञान ने प्रगति की तो पता चल जाता था कि आने वाला बेटा है कि बेटी है। बेटा आए तो आने दो, और बेटी आए तो कोख को ही कतल खाना बना दो। ये भी पाप इस धरती पर होने लगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि बेटों की संख्या तो ज्यादा हो गई और बेटियां कम पैदा होने लगी। 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां रह गई। मेरी बहनों और भाइयों, आप बताओ, मैं बहनों से ही पूछ रहा हूं, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? अरे बोल के बताओ। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बहुएं मिलेंगी क्या फिर? दुनिया चलेगी क्या फिर? अरे चलेगी क्या? आज बात कर रहे हैं अपन, भाषण छोड़ो, नहीं चल सकती। और इसलिए बचपन से मन में यह दर्द होता था कि बेटा बेटी में यह कैसा भेद है भगवान, एक ही मां के कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी पैदा होती है, लेकिन बेटी को बोझ मान लिया गया। और तब से सोचते सोचते मेरी बहनों, जब मैं बड़ा हुआ और मुख्यमंत्री बना तो संकल्प किया कि कोई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बेटी बोझ ना बने, बिटिया वरदान बन जाए। और इसलिए बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी आए तो चिंता मत करो, भांजियों को आने दो, बेटी है तो कल है, चिंता काय को करते हो, मामा मुख्यमंत्री है, बेटियों की पूरी चिंता करेगा, लाडली लक्ष्मी योजना। और आज मैं कह रहा हूं छतरपुर से, आज छतरपुर से मैं कह रहा हूं, 44,90,000 लाडली बेटियां हैं मेरी, वो 5वीं पास करके 6वीं में जाती तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाती तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाती है तो 6000, 12वीं में जाती तो फिर 6000, और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 मामा दिलवाएंगे, भाजपा की सरकार दिलवाएगी। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। और सुन लो मेरी माताओं बहनों, बेटी अब मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाएगी तो बिटिया की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मम्मा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो बताओ बेटी को आने दोगे? अरे जोर से बोलो, आने दोगे? आने दो बेटी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनने चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी अब बोझ नहीं है, बेटी अब वरदान है। और केवल इतने ही नहीं मेरी बहनों, देखो अपने मंच पे जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन बैठी है। कहां बैठी है जिला पंचायत की अध्यक्ष? जिला पंचायत अध्यक्ष ये देखो बहन है। नगर पालिका की अध्यक्ष भी बहन बैठी है। कहां बैठी है ये देखो, बहने बैठी है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं बैठी है, पहले तुम्हें पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता, पहले बहने चुनाव लड़ती नहीं थी, कोई लड़ने देते थे क्या घर में चुनाव?
घर बैठो रोटी बनाओ पानी भर लाओ। चुनाव कौन लड़ेंगे? चुनाव साहब लड़ेंगे। 50 आदमी आ रहा रोटी बना, तो मैंने थोप रही रोटी, थोप रही रोटी, थोप रही रोटी। हमने एक तरकीब निकाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने तय किया कि आधी सीटें बहन बेटियों के लिए रिजर्व कर दो। वहां भैया चुनाव लड़ ही नहीं सकते, वहां बहने ही चुनाव लड़ेंगी, केवल बहने। आज अरे ताली बजा तो जोर से बजाओ। अरे भैया तुम नाराज तो नहीं हो रहे? नाराज नहीं है। अब अगर ये नहीं करते तो बताओ इतना चुनाव जीतती क्या बहने? लड़ने ही नहीं देते थे। अब आधे से ज्यादा सरपंच, पंच, जनपद, जिला पंचायत, पार्षद, नगर पालिका, नगर परिषद, मेरी बहनें सरकारें चला रही है। देखो कागज लेके कैसे चलती है। कई बार पीछे कोई आते हैं और उनसे पूछते तुम कौन हो? बोले हम सरपंच पति हैं। अब स्थिति बदल रही है। ये फैसला बहुत बड़ा फैसला था, इससे सामाजिक क्रांति हुई। मैं मजाक नहीं कर रहा, सामाजिक क्रांति। बहनें आगे आई। एक काम और बताता हूं मैं मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, हमने क्या किया। अब हमने तय कर दिया अगर घर खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, कोई संपत्ति खरीदना हो तो कौन के नाम से खरीदते हैं? पुरुष के नाम से, आदमी के नाम से। राम सिंह, श्याम सिंह, कोई औरत के नाम से खरीदता है क्या? अब हमने तय कर दिया कि अगर अपनी पत्नी या बहन के नाम से कोई दुकान खरीदेगा, कोई खेत खरीदेगा, कोई मकान खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा, 1% केवल। आदमी के नाम खरीदेंगे ज्यादा पैसा लगेंगे, और पत्नी के नाम खरीदेंगे कम पैसा लगेंगे। तो कई ने सोचा और कहा तेरे नाम से ही खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएगी गुड्डू की मम्मी। तो बहनों के नाम पे संपत्ति खरीदने लगे। देखो ये तरकीबें हैं कि महिला को कैसे सशक्त किया जाए। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास तय किए तो कहा दोनों के नाम रहेंगे, पति के भी पत्नी के भी। होना चाहिए कि नहीं दो ही के नाम? नहीं, जरा सी लड़ाई हो गई तो कहले निकल घर से। अब अकड़ के कह दो कि तुम्हारी थोड़ी, मेरा भी तो घर है। अरे बहनों की इज्जत बढ़नी चाहिए, और इसलिए कई फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, हमने किए। आज हम 1000 से ज्यादा आवास के पट्टा बांट रहे हैं, इसलिए कि जिन गरीबों के पास रहने की जगह नहीं है उनको रहने की जगह मिल जाए। वो पट्टा भी पति और पत्नी दोनों के नाम पे होगा, ताकि संयुक्त मकान हो पति का भी पत्नी का भी। लेकिन मेरी बहनों, इतने से मुझे संतोष नहीं था। मन में एक बात हमेशा चुभती थी कि गरीब बहन को, छोटे किसान परिवारों में मेरी बहन को अगर 1500 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो कितनी परेशान होती है, पैसा मिलते नहीं है। अब बताओ मायके जाना हो तो दिल में इच्छा होती है कि चलो भैया के बेटा बेटी को मिठाई रख लूँ, छोटा मोटा सामान रख लूँ, होती कि नहीं इच्छा? कहेंगे भुआ जी काल आई काल आई, तो क्या तो दोगी खुरचन लेके आई छतरपुर से? इच्छा होती है, लेकिन कई बार पैसे पास में होते नहीं थे तो मन महसूस कर रह जाती थी। कभी पतिदेव से मांगा कि जाओ मायके जा रही हूं दे तो दो पैसा, बोले नहीं है, जब देखो मांगे तीरे। तो मेरे मन में लगा कि कोई एक योजना और बनाए जिससे मेरी बहनों की जरूरत छोटी मोटी पूरी हो जाए। अब देखो मेरी बहनों, भाई को साल में एक बार राखी बांधती हो, बांधती हो कि नहीं? अरे बात करो, बांधती हो? सावन के महीना में या तो भैया घर आता है या भैया ले आके ले जाता है, राखी बांधता है। राखी बांधता है तो भैया देता है कुछ ना कुछ, पैसा देगा, कपड़ा देगा, कोई और चीज देगा। तो मुझे लगा अरे शिवराज तू भी तो भैया है रे, और भैया भी मुख्यमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री होके भी बहन को कुछ नहीं देगा क्या? तो मन में आया कि भैया की तरह मुझे भी देना चाहिए। बताओ भैया हूं कि नहीं मैं?
अरे जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं, भैया हूं कि नहीं, तो सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं ना, और इसलिए मन में आए कि देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए तो महीने में, साल में एक बार देने से काम चल सकता है क्या? अरे बोल के बताओ, चल सकता है क्या? जरूरत तो हर महीना पड़ती है, और इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, हमने तय किया कि मेरी बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपया भेजूंगा लाडली बहनाओं को, हर महीना 1,000 रुपया। कैसी योजनाएं बताओ? अरे जोर से बताओ, कैसी योजनाएं? अच्छा, कौन कौन सी बहन ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आवेदन भर दिया? जरा हाथ उठाओ मेरी बहनों, उधर भी भरे कि नहीं? जिन्हें भर दिया हाथ उठाओ, कलेक्टर जरा माइक पे आओ भाई, कितनी बहनों ने भरे फॉर्म? सर 3,18,690। 3,18,690 बहनों ने छतरपुर में फॉर्म भर दिए, और सबके पास हो गए कि नहीं? सर अभी डीबीटी एनेबल 2,90,000 हो गए हैं सर। 2,90,000 की डीबीटी, बाकी भी जल्दी जल्दी जोड़ो। सर सुनो मेरी बहनों, आज तारीख कितनी है? 2/10 को, आज से 8 दिन के बाद तुम्हारे खाते में पहला 1,000 रुपया आ जाएगा, 10 जून को। बोलो लाडली बहनाओं की। और उसके बाद हर महीना अभी आएगा, अभी आया थोड़ी है, अच्छा, और फिर हर महीना की 10 तारीख को आएगा, आगे ना पीछे, ताकि योजना बना सको कि पैसे का क्या करना है। तो हर महीना 10 तारीख को खाते में 1,000 रुपया हर महीना आएगा, ताकि मेरी बहनों की छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाए, मेरी बहनों को हाथ ना फेराना पड़े। और मेरी बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है, बढ़ाता है कि नहीं? जेब में अगर रखें पैसा, तो फिर कहीं भी चली जाओ कि ठीक है मेरे पास हैंगे, और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अच्छा सुनो, अगर घर में 2 बहू हैं, जिठानी और दिरानी, तो 2 को 1,000 मिलेगा, और अगर 3 है तो 3 को भी मिलेगा, और कहीं 4 है तो बड़ी को भी, मंझली को भी, छोटी को भी, बिचली को भी, सबको मिलेगा। तो 2-3 बहू आई तो कितना घर में आ जाएगा पैसा। और सासू जी अगर बूढ़ी हुई और पेंशन उनको मिल रही है, तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के 600 रुपया से 1,000 रुपया कर दूंगा, तो सास के खाते में भी 1,000। अब देखो समाज कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा, जब हर महीना 1,000 रुपया मिलेंगे। तो अभी तो कभी कभी सास बहू में लड़ाई हो पड़ती है, फिर सास भी कहेगी 1,000 रुपया महीना आ रहा है, बहू की रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के, होगा कि नहीं बताओ? अरे बोल के बताओ, होगा कि नहीं? सास की भी नजर बदल जाएगी, और बहू भी कहेगी अब सासू माँ को 1,000 मिल रहा है, तो सोने के पहले पांव दबा दे जरा, तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा, और देखना पतिदेव की भी नजरें बदल जाएगी। पहले तो कुछ मिलता नहीं था, अब अगर मैं जानता हूं बहने थोड़ा पैसा बचा के भी रखेगी, फालतू खर्चा नहीं करेगी, बुरे वक्त के लिए बचा के रखो, और कभी पतिदेव आए और घर मोह लटका के आए और उनसे पूछा, देखो पति और बच्चों का दुख पत्नी नहीं देख सकती, माँ नहीं देख सकती, जब मोह लटका के साहब आएंगे तो पूछेंगे पप्पू के पापा बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है, अरे मुझे तो बता दो। और उन मोह लटका का क्या करूं, पैसे की बहुत जरूरत थी, कहीं मिल ही नहीं रहे, बड़ा परेशान हूं, तो कहेंगे पप्पू के पापा चिंता काय की करते हो, चले जाओ मेरे पास धरे हैं। तो पतिदेव की भी नजर बदल जाएगी। बोलो मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही बात है कि नहीं?
तो यह योजना सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। और मैं बहुत खुश हूं इस योजना को बना के। 15,000 करोड़ रुपया जाएगा हर साल बहनों के खाते में। एक बहन को 5 साल में 12,560,000 रुपया मिलेगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और तुम्हारा भैया का जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए लाडली बहना योजना। अब कुछ कांग्रेस के लोग ऐसे आ गए जो नकली योजना बना रहे हैं। करे फार्म भर दो, फार्म भर दो, ढोल में न मदड़िया में झूठे फार्म भरवा रहे। इन कांग्रेसियों ने पहले जब मैं 1,000 रुपया देता था बेगा भारिया सहरिया बहनों के, तो वो रुपया बंद कर दिए थे। ये कांग्रेस थी। मैं बेटियों की शादी कराता हूं, अभी भी शादियां हो रही है, आप देख रहे हैं। इनने कन्यादान योजना ही बंद कर दी थी। ये कांग्रेस है जिसने संबल योजना बंद कर दी थी। ये कांग्रेस है जिसने मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप छीन लिए थे, और तो और लड़ुआ के पैसा बहनों से छीने थे। मैं बेटा बेटी को जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देता था, वो भी कांग्रेस ने छीन लिए थे। तो ये झूठी बात करने वाले कभी हमारे भविष्य को नहीं बना सकते। 10 तारीख को मेरी बहनों शाम को 5 बजे अपने अपने गांव में एक जगह इकट्ठी होना। 8 तारीख को विशेष ग्राम सभा होगी जिसमें बहनों के नाम पढ़ के बताए जाएंगे कि इनके खाते में पैसा आएगा। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। स्वीकृति पत्र देने आपके घर कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको स्वीकृति पत्र देने आएंगे। सबको स्वीकृति पत्र मिलेगा। और 9 तारीख को, 8 तारीख को विशेष ग्राम सभा होगी, 9 तारीख को शाम को अपने अपने गांव में खूब गीत गाना, खुशियां मनाना कि कल हमारे खाते में पैसा आने वाला है। ताली जरा जोर से बजाओ। और 10 तारीख के दिन शाम को 5 बजे अपने अपने गांव में कार्यक्रम होगा। स्थानीय लोग बोलेंगे और 6 बजे सीधे मैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ जाएंगे। मैं उस दिन भी कुछ संदेश दूंगा आपको। 6 बजे मैं सब जगह आपको टीवी पे दिखाई दूंगा। तब मैं आपसे बात करूंगा और उसके बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। आपकी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का मकसद है मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद है। और जो और कई फैसले किए, एक हमने तय कर दिया कि दारू की दुकान के साथ जितने अहाते थे पीने के, वो दारू पीने के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे, अहाते नहीं खुलेंगे। उनके कारण बहनों को परेशानी होती। मेरी जो बेटियां हैं 12वीं में अपने अपने गांव में सबसे ज्यादा नंबर लेके आई है, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा, ई स्कूटी, तो स्कूटी पर बैठ कर जाएंगे। एक नहीं कई चीजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निशुल्क राशन देने का काम कर रहे हैं। गरीबों के घर बने मेरे बहनों और भाइयों, इसका लगातार प्रयास हो रहा है। पीएम आवास योजना, जिनके पास रहने की जगह नहीं है पट्टा दे के जमीन का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाऊंगा, कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा मेरे बहनों और भाइयों। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। बीमार हो जाए आयुष्मान भारत योजना, ताकि बीमारी बोझ ना बन जाए। एक नहीं अनेकों योजना लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी जिंदगी बदलने बना रही। आज 6 साल महाराज जी की जयंती है। हमने यह भी तय किया है आतताइयों को 6 साल महाराज खदेड़ खदेड़ के मारते थे मध्य प्रदेश की धरती पर, आतंकवाद नहीं चलने दिया जाएगा। जितने डाकू हुआ करते थे कांग्रेस के राज में, कभी सारे डकैत हमने समाप्त कर दिए, कोई डाकू नहीं बचा। आम जनता को सताने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आतंकवादी गतिविधियां कुछ प्रारंभ करने की कोशिश हुई, हमने पकड़ के लोगों को जेलों में बंद किया है। बेटी के तरफ
अगर कोई गलत नजर उठाएगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। ये गुंडागर्दी, दादागिरी, अन्याय, अत्याचार, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ताकि आपकी जिंदगी सफल हो। अभी कल मुझे पता चला दमोह के एक स्कूल में बेटियों को सर पे कुछ बांध के आओ, ये नियम बना दिया। और पता नहीं कौन सी उस व्यक्ति के नाम से जिसने भारत का विभाजन करवाया उसकी कविता पढ़ाई जा रही थी। मैं सावधान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी जो शिक्षा नीति लागू की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा। वो ही शिक्षा नीति लागू होगी और उसके खिलाफ अगर कोई स्कूल में दूसरी गलत चीज पढ़ाएगा या किसी बेटी को सर पे बांध के आओ स्कार्फ या कोई और चीज इसके लिए मजबूर करेगा तो वैसा स्कूल मध्य प्रदेश में चल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे, ये नहीं चलेगा। शिक्षा नीति के हिसाब से हाँ शिक्षा देने का काम होगा, जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अभी बीडी शर्मा जी आपको बता रहे थे बुंदेलखंड भाई वासियों, मेरे किसान भाइयों, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री आपके खाते में डालते हैं, 4,000 रुपया मैं डालता हूं। कमलनाथ ने जो कर्जा माफी का वचन दिया था, कर्जा माफ नहीं किया, ब्याज और मुंडी पे चढ़ गया, वो ब्याज मैं भरवा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवा रही है ताकि ब्याज में डूब ना जाओ। और इसके साथ अब जो कैन वेतवा योजना आएगी, बुंदेलखंड की धरती पर एक एक इंच जमीन में सिंचाई होगी और बुंदेलखंड पंजाब को मात कर देगा मेरे बहनों और भाइयों। उत्पादन में हमारा किसान बहुत आगे बढ़ेगा। एक नहीं ऐसी कई योजनाएं, उनके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन आज बुंदेलखंड वासियों, महाराज छत्रसाल जी को याद करके मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, अपने बुंदेलखंड की धरती को हमें आगे बढ़ाना है। अकेले सरकार नहीं कर सकती, अकेले मोदी जी नहीं कर सकते, अकेला मामा भी नहीं कर सकता। आओ हम सब मिलके अपने शहर को बनाए, अपने गांव को बनाए और कुछ चीजें हम तय करें कि अपने गांव में स्वच्छता रखेंगे, पानी बचाएंगे, बेटी का सम्मान करेंगे, बेटी को आने देंगे। इस सब में आपका साथ और सहयोग चाहिए। बताओ मेरी बहनों एक बात जरा दिल से बताना, तुम्हारा भैया पूछ रहा है जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरी बहनों, हर गांव में लाडली बहना सेना बनेगी, छोटे गांव में 11 बहनों की, बड़े गांव में 21 बहनों की लाडली बहना सेना जो महिलाओं की योजनाओं को लागू करवाएगी। तैयार हो लाडली बहना सेना में शामिल होने के लिए? हाथ उठाओ कौन कौन। बहुत सी बहनें आएगी। अब कलेक्टर जरा ये नोट कर लें, लाडली बहना सेना बननी है, ये महिला की योजनाओं को क्रियान्वित करवाने का काम करेगी। बहनों के सहयोग से, तुम्हारे सहयोग से ही हम योजना लागू करेंगे। अब जिसमें आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है हाथ उठाओ, समूह वाली बहनें हाथ उठाओ। मेरी बहनों सुनो, 1,000 रुपया में काम नहीं चलने वाला, गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, मजबूर नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। बोलो बढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से हर बहन की कमाई कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए, इसकी कोशिश हम करेंगे। मेरी बहनों गरीबी में काय को जिए, हम रोने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं रहेंगे गरीब, मैं साथ हूं, सरकार साथ, मिलकर साथ काम करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, बाल बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे। मोदी जी के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, अपने भैया शिवराज के साथ चलेंगे। बोलो सब तैयार हो, साथ चलोगे? तो आप अपने अपने जगह खड़े हो जाओ, जो हमारे साथ चलने को तैयार है अपने अपने जगह खड़े हो जाएं, और इधर भी और उधर भी दोनों हाथ ऊपर उठा के खड़े होके और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के
भाई के साथ चलने का संकल्प लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ और मोदी जी के साथ चलने का संकल्प लेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्रसाल महाराज की, छत्रसाल महाराज की, लाडली बहनों की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।